त्रिशा के बार बार मना करने पर भी ये उनके पीछे हॉस्टल में मार्केट में घूमते रहते थे। कैसी हैं मैडम आप? कॉफी ड्यू है आपकी? रियो तो चलें। और बहुत बदतमीजी से बात करते थे, मना करने पर भी आ जाते थे। इतने गिरे हुए हो तुम अमृत, ऐसा घटियापन करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बार भी अदिति के बारे में नहीं सोचा? आपने जो किया वो गलत तो था ही, और अब त्रिशा से माफी मंगवाकर आप और भी गलत कर रहे थे। इसकी इतनी सालों की मेहनत, इतनी सालों की पढ़ाई आपके एक धोखे की वजह से बर्बाद होने जा रही थी, इसीलिए मजबूरन आपका कच्चा चिट्ठा सबके सामने हमें लाना पड़ा। कितने में खरीदा आपने तीनों को? अपनी बहन का सच साबित करने के लिए कितने में खरीदा इन तीनों को? है कौन ये तीन लोग? कौन है? बोलिए। झूठ खरीदा जाता है सम्राट जी, झूठ खरीदा जाता है सम्राट जी। क्योंकि सच बिकाऊ नहीं होता, क्योंकि सच बिकाऊ नहीं होता। अब भी अगर शक है आपको तो दामाद जी की असलियत को हम और भी परत दर परत साफ खोल सकते हैं। क्योंकि धोखा और झूठ चाहे जितना भी छुपा ले, वो हर कदम पर अपना निशान छोड़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं। क्यों दामाज? अपना फोन दो त्रिशा, फोन दो। हमारे बहन के पीछे हाथ धोकर पड़े थे दामाज। ये तो अच्छा है कि त्रिशा हमें हर बात बताती है। शक अभी भी बाकी है आपके पास, तो इसे सुन लीजिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता त्रिशा, अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आई लव यू त्रिशा, आई लव यू। अब मैं बस तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ। तुम मेरी लाइफ हो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दिया मैंने त्रिशा, प्लीज जान मेरे इमोशंस को समझो ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आई लव यू जान। हेलो, कभी हमारे आई लव यू के जवाब में तुम भी आई लव यू बोल दो ना डार्लिंग। अब इस आवाज को तो नहीं नकारेंगे ना आप सम्राट जी? त्रिशा चुप रही क्योंकि हमारा घर बचाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तक के साथ समझौता करने के लिए तैयार थी। लेकिन हमें ये मंजूर नहीं सम्राट जी, किसी बेगुनाह को बिना किसी गुनाह के सजा क्यों मिले? और त्रिशा बिल्कुल निर्दोष है।
अब बताइए सम्राट जी, माफी किसे मांगनी चाहिए? उर्मी बेटा, देखो अब जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को यही खत्म कर दो ना बेटा। माफी तो इसे मांगनी पड़ेगी। जाओ मिस्टर गुनेगार, माफी मांगो त्रिशा से। चलो सॉरी त्रिशा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर देना। दीदी, अच्छा समधी जी, अब हम चलते। शब्द तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हो सके तो माफ कर दीजिएगा हमें। कैसी बात कर रहे हैं समधी जी, आप सब लोग हमारे मान हैं। नमस्ते, नमस्ते समधन जी। चलो सरोज। चलिए, अगर खेल खत्म हो गया हो तो निकल जाओ यहां से, वरना तुम्हें जेल के जुर्म में भेजना है। जेल सोचने की जरूरत नहीं है हमें। माफ कर दीजिए भैया, हमने किया तो वही जो आपने कहा था। एक आसान सा काम सौंपा था वो भैया। भैया 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 माफ कर दो भैया, गलती हो गई। चुप, माफी मांगेंगे? माफी मांगने का लायक नहीं है तुम। माफी मांगोगे मुझसे? भैया मुझे मुझे क्यों मार रहे हो भैया? मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। अभी आपकी बीवी जासूस निकलेगी, उसमें मैं क्या करूं? डार्लिंग जानू, I love you। साले इस तरह के लपूजना टाइप के वॉइस नोट भेजने को किसने कहा था? किसने कहा था? भैया वो तो पहले ही भेज चुका था ना मैं। तो क्यों भेजे? आशिकी सूझ रही थी हाँ लल्लू, या दीवाना मन का भूत सवार था सर पे? नाटक करते करते मजा आने लग गया था क्या? तो सोचा होगा ना कि लगे हाथ मिल जाएगी, क्या बुराई है? सोचा था ना? सोचा था नहीं सोचा था?
पागल क्यों नहीं बता कर साले। भैया आपने पूछा ही नहीं और मेरे भी दिमाग से मिस हो गया। और पहली बार तुम्हारी वजह से हार हुई सम्राट सिंह राठौड़ की। तुम्हारी वजह से लड़की मुझे सुना के चली गई जो आज मेरे पैरों के नीचे आ गई थी। भैया हमने तो सब सच बता दिया था। सच बताया था? पूरी दुनिया को उल्लू बनाते सोचा मुझे भी बना दोगे। आज तुम्हारी वजह से बेइज्जती का घूंट पी के जिया हूं मैं। तुम्हारी वजह से। भैया गलती हो गई तो इस बार माफ कर दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। भैया आपके लिए तो जान भी हाजिर है हमारी। अब तो मेरी बात पे बनाई है, अब मैं उस लड़की को इस शहर से निकलवा के चलूंगा। नहीं रहेगी वो लड़की यहां पर, नहीं रहेगी तेरे साथ झांसी में, किसी कीमत पे नहीं रहेगी और कोई भी उसे अप्रोच नहीं पाएगा, फिर चाहे भगवान ही क्यों ना जाए उसकी तरफ से। भगवान बचाए ऐसे जालसाज लोगों से। कितना झूठ बोलते हैं ना दामाद जी कसम से। अरे ऐसे बेलगाम झूठ बोलने वाले इंसान को तो हमने पहली दफा अपनी आंखों से देखा है। बहुत खतरनाक आदमी है जय दामाद जी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल बोल के ऊंची इमारत खड़ी कर दी जो आज जाकर भरभरा कर गिरी है। हाँ बेचारी अदिति, नसीब फूट गए उसके जो उसे ऐसा आदमी मिला है। अरे मिला का, उसने तो खुद ने चुनी अपनी बदनसीबी को। लेकिन ये बात भी है कि कोई किसी के दिल के अंदर घुसकर देख तो नहीं सकता है ना। बेचारी निगल तो गई जो उगला भी नहीं जा सकता। जिंदगी बर्बाद हो गई उसकी हम तो कहते हैं। इजी सुनते हो, कई आप तो हमसे झूठ नहीं बोलते हो ना। हमारा मतलब है कि हमारे पीठ पीछे बाहर के बाहर आप कछु करते तो नहीं, किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं है ना आपका। चुप करोगी यार कंचन, क्यों बेवजह बकवास कर रही हो, कान थक गए मेरे सुन सुन के। अब प्लीज थोड़ी देख ले चुप कर जाओ। अरे हम तो चुप ही है सवेरे से, कहां कछु बोले हैं, मौका ही नहीं मिला हमें कछु बोलने का। हाँ तो एक दिन की छुट्टी मना लो, नहीं बोलोगी तो गल नहीं जाओगी। मैक जी सबको दिखाइए ना कि हम सिलेक्ट हो गए। दिस इज रियली ग्रेट न्यूज। अभी कल ही तो मैंने भाभी के फोटोज मेल किए थे और देखो उसका रिप्लाई भी आ गया। भाभी जो है एड फिल्म के लिए फाइनलाइज हो गई है। हाँ मैक जी अब आगे क्या करना है, आगे हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी है। अब तो आप तैयारी कीजिए मुंबई जाने की। वहां जाएंगे वो आपका छोटा सा एक लुक टेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधा शूटिंग। सीधा शूटिंग, भाभी आपकी तो गाड़ी निकल पड़ी है। हम अभी जाने की तैयारी करते हैं। रुक जाओ रश्मि, जे नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही हो। क्यों क्यों नहीं जा सकते हम? जमीन पे रहो समझी, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। रश्मि गौरव सही कह रहा है, बेकार की चीज में फंसने का कोनो मतलब नहीं। जे सब छोड़ो, आप लोग क्या चाहते हैं? अरे एक मौका तो मिला है हमें अपने सपने पूरे करने का और आप सब चाहते हैं कि हम उसे भी खो दें? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम कहीं नहीं जा रही हो और यह हमारा आखिरी फैसला है समझी। हम जाएंगे। तुम्हें छूट दे रखी है तो इसका नाजायज फायदा ना उठाओ बहू, बहस मत करो और घर की मान मर्यादा को समझो, गौरव की बात सुनो और मानो। बट क्यों अंकल, ये कोई गलत काम थोड़े ही है। और फिर कौन सा रोज रोज ऐसा मौका मिलता है, और अंकल टैलेंट की असली कदर तो मुंबई में ही होती है ना। पासमैक पासमैक, पासमैक।
इससे ज्यादा दखलअंदाजी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वैसे भी तुमने बहुत तमाशे करा लिए यहाँ। गौरव, मैं तेरा दोस्त हूँ यार, मैं सब कुछ तेरे और भाभी के लिए तो कर रहा हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। कृपा करके हमारे बारे में और हमारी बीवी के बारे में सोचना बंद कीजिए। ओके, समझ गया मैं। अरे तू भाभी को लेके ना इनसिक्योर फील करता है, डरता है, तू डरता है कि कहीं भाभी तुझसे ज्यादा सफल ना हो जाए जिंदगी में। टिपिकल हिपोक्रेट मेंटालिटी, छी, बस करो। अपनी हद में रहो, समझे, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे दोस्त हो। गौरव, गौरव बस करो, बस करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम माँ से कह दो कि इसी वक्त इस घर से चला जाए, इसी वक्त, अभी के अभी, वरना मैं। गौरव बस करो बेटा, ऐसा नहीं कर सकते आप। जो हमारा मेहमान है। अभी नहीं है, बैक, निकल जाए यहां से। सुना नहीं तुमने? निकल जाओ, निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। हाँ हाँ, मैं भी यहां एक पल भी नहीं रुकना चाहता। जी बिल्कुल सही कहकर गए, आपको हमारी सफलता स्वीकार नहीं है ना? अरे जलते हैं आप हमसे, आपको मंजूर नहीं है कि हम आपसे बेहतर काम करें। आप चाहते क्या हैं? आपके दो दो रुपए के हिसाब में उलझकर अपनी सारी जिंदगी यहां सड़ा दूं? यही चाहते हैं ना आप? अरे खुद तो कुछ नहीं कर पाए और अब हम करने चले तो आग लग गई आपके मन में। रश्मि, उठ गए आप, हम चाय लेकर आते। एक मिनट। जी यहाँ आइए। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे भाई, इधर आइए। बैठिए प्लीज। सॉरी, सॉरी किस लिए? त्रिशा को गलत समझने के लिए। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिशा का सच सबके सामने आ गया और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी त्रिशा के प्रति जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। It's all because of you. I am
ऑफ यू भाई, मानना पड़ेगा इंप्रेस कर दिया आपने मुझे, ऐसा बेहतरीन काम किया है आपने। ये जो छोटा सा शरीर है ना, इसमें जो दिमाग है और जज्बा है बेमिसाल है। और मैंने भी टेंशन में आके आप पे डाउट कर लिया। नहीं नहीं, किया तो सही। एनीवे, अमृत की चलाकी जो मैं भी नहीं पकड़ पाया वो आपने पकड़ ली। क्लीन बोल्ड कर दिया पहली बॉल पे, चारों खाने चित कर दिए मेरे छोटे पैकेट ने। बात हमारी बहन के कैरेक्टर की थी सम्राट जी, इतना करना तो बनता ही हमारा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, जब अपनों के कैरेक्टर अपनों के चरित्र पे बात आ जाए तो इतना तो करना बनता है। आदमी कुछ भी कर गुजरता है, दुनिया इधर से उधर कर देता है। बस अब अदिति दीदी के बारे में सोच के बुरा लग रहा है। सम्राट जी क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा। दुनिया की चिंता छोड़िए आप, आप अपनी और मेरे आने वाले बच्चे की चिंता कीजिए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, खुश रहना आपको हर हालत में।